और सीधे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें जहां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे का समय था और यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए आप तमाम नेताओं को देख सकते हैं। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अरवा के बीच मुकाबला, सभी कतार में खड़े होकर अपना अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए आप तमाम सांसदों को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक मतदान होना है और ये उम्मीद की जा रही है कि शाम 7 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान किया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार, विपक्ष ने मार्गरेट अरवा पर अपनी सहमति दिखाई और अब इन दोनों के ही बीच ये मुकाबला होना है। तो मतदान खत्म होगा जैसे ही, उसके बाद आज ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और चुनाव नतीजों का ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। तो हर अपडेट और हर तस्वीर के साथ यहाँ पर हर जानकारी आपको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। साथ ही आप तमाम सांसदों को देखिए विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, जो हमारी स्क्रीन है बीपी न्यूज की, उसमें आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन जगदीप धनखड़ के साथ है। शिवसेना शिंदे गुट जगदीप धनखड़ के साथ, AIADMK ने भी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। BSP की ओर से मायावती ने भी जगदीप धनखड़ के साथ होने का ऐलान किया। अकाली दल भी उनके साथ खड़ा हुआ है, NCP मार्गरेट अरवा के साथ, TDP धनखड़ के साथ। तो किसके साथ कौन है, दो उम्मीदवार आपके तस्वीरों में देख पा रहे हैं। BJP जगदीप धनखड़ के साथ, NDA के उम्मीदवार हैं, JMM मार्गरेट अरवा के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो YSR कांग्रेस ने भी धनखड़ के साथ जाने का ऐलान किया है। TRS मार्गरेट अरवा के साथ, RJD ने मार्गरेट अरवा को ही अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना उद्धव गुट मार्गरेट अरवा के साथ है, DMK मार्गरेट अरवा के साथ है, AIADMK जगदीप धनखड़ के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले इस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने अपने मत का दान किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां पर इस वक्त मतदान की ये प्रक्रिया जारी है। तमाम फोटोग्राफर्स सुरक्षा कर्मियों से स्टाफ है उनसे थोड़ा हटकर ताकि तस्वीरें सहूलत के साथ ली जा सके। और तमाम सांसद देखिए कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री यहां आए हैं और ये बैलेट बॉक्स के अंदर अपना मतदान करते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी को इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। उसके बाद सबका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट कास्ट किया, बैलेट बॉक्स में अपनी पसंद की पर्ची डाली और यहाँ देखिए तमाम सांसद अपने विक्ट्री साइन का यहाँ पर दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन, और साथ ही मुस्कुरा रहे भी रहे हैं कैमरे के आगे पोज देते हुए और कतार में खड़े होकर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए। तो 788 जो वोटर्स हैं वोट करेंगे और एक बार फिर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया है और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अंकित, उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से। जी बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान भी कर दिया है। हालांकि कई सांसद काफी देर पहले से ही जो है कतारों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही जो वोटिंग शुरू हुई प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया और तमाम सांसद एक के बाद एक करके मतदान कर रहे हैं। सांसदों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम वोटिंग के लिहाज से बात करें या अब तक के आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पर जो NDA के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनका पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है, ये जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं। वहीं अगर हम जो राष्ट्रपति पद की बात करें तो वहां पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा तमाम जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके भी मतों की जो भूमिका होती है, लेकिन क्योंकि यहां पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या मिलाई जाए तो वो वहां पर NDA का पलड़ा काफी भारी है और इस वजह से जगदीप धनखड़ की जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन मतदान की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।